गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आज सबसे मुद्दे वाली बात चालू नहीं हुआ। तो सबसे पहले सबसे मुद्दे वाली बात आज करते हैं कि आज मुझे एक मैसेज रिसीव्ड हुआ है फेसबुक पे कि सर आप मोटिवेशन क्यों नहीं देते बच्चों को। तो देखो मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। देखो घर के अंदर एक ऐसा इंसान है जो रोज सुबह उठता है, रोज सुबह जॉब के लिए तैयार होता है। कभी मौसम अच्छा भी होता है तो भी उस इंसान को इससे मतलब नहीं होता कि मौसम आज अच्छा है, आज मैं छुट्टी कर लूं, है ना। वो एक ऐसा इंसान है जो कभी भी इस बात का बहाना नहीं बनाता कि मैं आज बीमार हूं, आज मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा। वो एक ऐसा इंसान है जो कभी भी ये बहाना नहीं मारता कि आज ऐसा हो गया था इसीलिए इस बार मुझे सैलरी नहीं मिल रही है तो आप लोग अपना काम चलाओ। तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान रोज सुबह उठ के कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है, या वो इंसान रोज सुबह उठ के किसी से बात करता है और किसी से ये पूछता है कि भाई मुझे ना मोटिवेट करो आप कि मैं अपने परिवार के लिए कमाऊं। तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, चीजें जब जरूरत होती है तो आपको किसी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो किस बात का आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए कि आप डॉक्टर बनो, या आपको इस बात का मोटिवेशन चाहिए कि हम लोग रोज आप लोगों को यह बताएं कि हम लोग यहां पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़ो। किस बात का मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को? मैंने आपको पहले दिन ही एक बात कही थी, हमेशा एक बात ध्यान रखना, यदि चीजें जरूरत होती हैं तो आपको किसी तरह के कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक इंसान 10 दिन तक मोटिवेट होकर काम कर सकता है, लेकिन यदि जरूरत है तो उसको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मुझे मोटिवेट करो मैं करके दिखाऊंगा। नहीं बच्चों, सांस लेने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैं क्या सांस ले लूं, मेरी बॉडी को उसकी जरूरत है। तो अपने फादर से मोटिवेशन लीजिए। बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। आज मैं इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर में आते हैं, आपके फादर आपकी मदर के साथ बैठते हैं, उनको एक सपना दिखाते हैं कि आपका बेटा एक डॉक्टर बनेगा, और आपके माँ बाप हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के उस सपने को अपने अंदर जीते हैं और आपको बोलते हैं हाँ बेटा डॉक्टर बनना। आप लोग कुछ लोगों से मोटिवेट होकर बोलते हो हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वो आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पैसा लगता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स बहुत पैसे वाले हैं या आप बहुत गरीब हैं, फर्क इस चीज से पड़ता है कि उनकी फीलिंग्स बिल्कुल सेम, वो ये सब एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा फील करते हैं उन चीजों को। और जब आप फेल होने के बाद में उनके सामने जाते हैं ना, तो वो कभी भी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करते। वो कभी ये नहीं बोलते कि अरे मैं आज बेटा तू फेल कैसे हो गया, नहीं कैसे फेल हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल। नहीं, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं ठीक है अब जो भी था कोई बात नहीं, तूने मेहनत की है सब सही होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसे कहानी ये नहीं। यदि आप उनके अंदर झांकोगे या उनसे दिल से पूछोगे ना कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आप यदि आप जो आप सोचते हो आप एक्सप्रेस करो, तो वो कहेंगे नहीं बेटा तूने कभी भी उस तरह की मेहनत की नहीं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सिलेक्शन होने से रुक जाए। आप लोग खुद बताओ ना मुझे, चंद किताबें पढ़ने से यदि आप एक इस दुनिया के सबसे इज्जतदार लोगों के अंदर आपका शुमार हो सकता है तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो आज के बाद में एक बात बिल्कुल आप एक बात अपने फादर, देखिए बहुत दुनिया माँ के बारे में बहुत कुछ कहती है लेकिन वो इंसान भी जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी मोटिवेशन के, क्योंकि मुझे पता है आप कम से कम ये चीज समझेंगे कौन कब तक आपको मोटिवेट कर सकता है जब आप खुद मोटिवेट ना हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट प्लांट्स, और इसके लिए जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा चंद किताबें बहुत सही है, बिल्कुल डॉक्टर जय मैं सही कह रहा हूं आपको। यदि आपका कोर्स डिफाइन नहीं होता तो आप कितना कुछ पढ़ते
लेकिन आपको पता है आपको फिजिक्स की एक एनसीईआरटी अच्छी तरह करनी है, केमिस्ट्री की जो एक एनसीईआरटी है वो अच्छी तरह करनी है, बायो की एक एनसीईआरटी अच्छी तरह करनी है, ठीक है। थोड़ा सा यदि उससे एक्स्ट्रा भी जाना पड़े तो एक ही तो किताब बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सबका वापस स्वागत करता हूं मैं आप तरीके से, ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करें सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इन पे कंफ्यूजन होती है। मैं इस चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट इसलिए नहीं ले रहा कि बिल्कुल पायल डायरेक्ट सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस वाले पार्ट स्टार्टिंग पार्ट क्यों नहीं ले रहा हूं, ये मैं आपको एक स्लाइड के अंदर बताता हूं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप हो रही है। जब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम हमेशा एक बात पढ़ते हैं कि एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दूसरी जो चीज पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ते हैं दो तरह के, सिंपल परमानेंट, ठीक है, या मैं सीधे नाम लिख रहा हूं पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या पढ़ते हैं, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर हम पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और हम यदि एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं, ठीक है, यदि हम एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं ओनली फॉर स्टडी रिलेटेड एट कैरियर पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। प्लीज अब आप यहां पे एवरीथिंग इन स्लाइड प्लीज प्लीज डॉक्टर जे, मैं देखो एक्चुअली कोर्स बहुत बड़ा है, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो मगअप करने वाली चीजें हैं उसको मैं डाउट सेशन में लूंगा, मैं अपना डाउट सेशन रखूंगा एक, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन सबके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक बार आप पढ़िए। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे बिल्कुल, और मैंने आपको बहुत सारे लोगों को पहले ही कहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट, है ना। बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के चले जाते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे वो पढ़ना चाहिए, तो मैं सीधा जब यहां पे पढ़ा रहा होता हूं तब तो मेरा वहां पे कमेंट पे ध्यान नहीं देता मेरा, तो कई सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। आपके क्वेश्चन का यदि मैं जवाब नहीं दे पाया हूं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। लेकिन 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 आप मुझसे यदि चैट में पूछ लिया आपने कमेंट सेक्शन में नहीं डाला तो मुझे कहां से पता लगेगा, ठीक है। चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं, तो ये सब आपको एक बार कंप्लीट तैयार करना है। मैं आपको बात कर रहा हूं इससे रिलेटेड जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, टिश्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरह का है, तीन तरह का टिश्यू सिस्टम है, एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, एक वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट्स ओके माधवी, कोई बात नहीं बेटा, ये छोटी छोटी सी, देखो जब आपका शरीर आपका माइंड कंट्रोल करने लग जाता है तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका माइंड यदि आपका बॉडी कंट्रोल करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह की बीमारी है सब एक टाइम के बाद सही हो जाएगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जज्बा। वो जज्बा उस लेवल पे होना चाहिए कि आपने सुना होगा इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज नो विल देयर इज अ बिगिन, ठीक है। बिल्कुल आप सब एब्सेंट थे, बिल्कुल नया टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बिल्कुल यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनिए। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, एक वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। हम जो सबसे पहला पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के तीन पार्ट है, कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं, कुछ एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं। तो सबसे पहले हाय हेलो ऑल ऑफ यू अरबाज साइद, ठीक है, हेलो। चलिए हम बोल रहे हैं एक तो है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक है हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहला जो सिस्टम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है किसी भी प्लांट की, और इनको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है सिस्टम को। एक तो है एपिडर्मल सेल्स, एक है एपिडर्मल स्ट्रक्चर और एक है एपिडर्मल अपेंडिजेस। देखिए एपिडर्मल सेल्स का मतलब है ये एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन कर, ठीक है, जो सबसे सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगी, सबसे आउटर मोस्ट प्रेजेंट है। एपिडर्मल स्ट्रक्चर उस लेयर के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है एपिडर्मल स्ट्रक्चर। कौन कौन से अभी हम एक एक चीज देखेंगे,
और एपिडर्मल एपेंडेजिस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे अलग अलग स्लाइड्स के ऊपर। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। ध्यान से सुनिए, एपिडर्मल सेल्स के बारे में बात करूं तो आप सब ने छोटी क्लासेस में क्लास टेंथ के अंदर प्रैक्टिकल में आपने कुछ स्लाइड्स देखी होगी। ठीक है महेंद्र सिंह, बिल्कुल अब बेटा इसका मैं क्या कर सकता हूं, बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखिए कि फीवर कभी भी आपकी पढ़ाई के बीच में। ठीक है बेटा, चलिए हम ये कह रहे हैं ये एपिडर्मल जो सेल्स है ना इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये जो एपिडर्मल सेल्स है ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और ये मल्टी लेयर भी हो सकती है। सिंगल लेयर जो है अमूमन यदि हम जनरल बात करें तो सिंगल लेयर में ही मिलती है, लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी लेयर के बारे में तो नीरियम और फाइकस इसके एग्जांपल है, जिसके अंदर एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो बिल्कुल कई सारी लेयर की हो सकती है। यदि आप बात करेंगे तो ये पेरेंकाइमेटस इन नेचर होती है, और जो पेरेंकाइमेटस इन नेचर है इसके अंदर क्या है, एक सेल है और इस सेल के बीच में बहुत बड़ा एक वैक्यूल है। ठीक है, जब भी सेंटर में किसी भी प्लांट सेल के, यदि किसी भी प्लांट सेल के, सर यही बात मुझे काफी अच्छी लगती है कि सीधा पॉइंट के बाद क्या करें और बताओ आप। चलिए सेंटर में यदि हम बात करें, सेंटर में यदि किसी भी प्लांट सेल के वैक्यूल होगा तो उसका जो साइटोप्लाज्म हो जाएगा वो पेरिफेरी पे चला जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे भी। और ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि न्यूक्लियस जो होगा वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से बिल्कुल सेंटर वाला जो वैक्यूल है उसके बीच में सिचुएटेड होता है। कई बार ऐसा देखा गया है। यहां पे ये जो एपिडर्मिस की लेयर है इसके ऊपर देखा गया है कि कुछ वाटर इवेपोरेटिंग प्रिवेंटिंग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि पानी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो कि पानी को बिल्कुल इवेपोरेट होने से रोकते हैं। और ये जो लेयर होती है ये क्यूटीन से मिलके बनी है। क्यूटीन एक वैक्सी सब्सटेंस है और इस लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, आगे हम बात करें, ये क्यूटिकल वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। फॉर एग्जांपल जितने भी डेजर्ट प्लांट है उन डेजर्ट प्लांट के अंदर ये देखा गया है थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। लेकिन क्या ये क्यूटिकल हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होगा? क्या ये क्यूटिकल हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होगा? हाइड्रोफाइट में कभी भी पानी का कोई समस्या नहीं है, इसीलिए हाइड्रोफाइट का जो मेन केस हम पढ़ेंगे उसके अंदर ये पढ़ेंगे कि हाइड्रोफाइट में कभी भी क्यूटिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि पानी इवेपोरेट होता रहे बॉडी के अंदर, कम टाइम के लिए पानी रुके, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है पानी के अंदर, ये वो प्लांट है। नेक्स्ट, क्यूटिकल एब्सेंट होता है रूट्स में और हाइड्रोफाइट्स में। इस केस को मैंने डील कर दिया है, रूट के केस को ध्यान रखना कि उसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, बुल्लीफॉर्म सेल्स, ध्यान से इधर ध्यान दीजिए बिल्कुल। ये जो बुल्लीफॉर्म सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? जब भी हम बात करते हैं मोनोकोट लीफ की तो मोनोकोट लीफ इस तरह से बहुत लंबी होती है। जब ये मोनोकोट लीफ होती है तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो एपिडर्मिस है इस मोनोकोट लीफ की, ध्यान से सुनिए, मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूं। ये जो मोनोकोट लीफ है इसकी एपिडर्मिस इस तरह की है और इस एपिडर्मिस में बहुत सारे सेल्स हैं। ये देखिए ये सेल्स हैं, ये एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, और कुछ सेल्स हैं जो कि बड़े साइज के हैं। ये जो बड़े साइज के सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। ठीक है, ये जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये ग्रास, फॉर एग्जाम्पल ग्रास एक मोनोकोट है, इसकी लीफ इतनी बड़ी है। यदि नेचर में बहुत ज्यादा सूरज की किरणें पड़ी हैं इसके ऊपर तो क्या होगा, इसके ये पूरी, देखो ये पूरी लीफ है, इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। ठीक है सर, आप मेरी स्क्रीन पर नहीं चल रहे हो, सही होगी नहीं, बिल्कुल चलेगा, आप थोड़े सा वेट कीजिए। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे ही डॉक्टर जे क्या अंडरस्टैंड नहीं हुआ प्लीज आप मुझे इस पे कमेंट कर दीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही बुल्लीफॉर्म सेल्स का काम क्या है, मोनोकोट लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ऊपर से सनरेज पड़ रही है, तो जैसे ही सनराइज सन की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है क्या होता है, ये जो लीफ है इनके जो बुल्लीफॉर्म सेल्स है इन बुल्लीफॉर्म सेल्स में से पानी इवेपोरेट हो जाता है और श्रिंक हो जाते हैं। जैसे ही ये श्रिंक होते हैं
ये लीफ को भी क्या कर देते हैं, फोल्ड कर। अब पहले इतना बड़ा एरिया था जो कि ट्रांसपीर कर रहा था, अब ट्रांसपीरेशन छोटे से एरिया में हो रहा है। तो ये प्लांट की एक स्ट्रेटजी है, ये प्लांट की एक स्ट्रेटजी। और वो स्ट्रेटजी क्या है, वो स्ट्रेटजी ये है कि वाटर लॉस को किसी तरह से रोका जाए। और आपको पता होना चाहिए कि डाइकोट जो प्लांट होता है उसका जो लोअर एपिडर्मस होता है वहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं, या मेनली स्टोमेटा लोअर साइड में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मोनोकोट की, ऊपर भी स्टोमेटा उतने ही है और नीचे भी स्टोमेटा उतने ही, इसलिए यहां पे ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा होगा, इवेपोरेशन वाटर का बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पे ये बुलिफॉर्म चलता है। आरबीएच क्यूटिकल का काम होता है। अब ये सरफेस है, इस सरफेस में से देखो आप कोई से भी सरफेस हो, आपके पास थोड़ी है स्टोमेटा कोई, लेकिन आप धूप में बैठे रहते हो तो आपकी बॉडी में से पसीने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और वाटर भी लॉस होता है। इस वाटर लॉस को प्लांट के अंदर भी एक केस है, प्लांट की जो लेयर है ना एपिडर्मिस, उसमें कहीं पे क्रैक है, कहीं पे कुछ है, तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। हेलो सूर्यांश, ये जो क्यूटिकल होता है ना, ये क्या करता है, वाटर लॉस को रोकता है। मुबारशा अंसारी, आवाज बिल्कुल यहां से सही है, हो सकता है आपके उसमें नेट में प्रॉब्लम हो, एक बार थोड़ा सा आप देखिए। ठीक है, ये बुलिफॉर्म है। रूट के अंदर जो एपिडर्मिस है उसको एपिब्लेमा, राइजोडर्म या पिलीफेरस लेयर कहते हैं। ये पॉइंट्स हैं जो कि एक एपिडर्मल सेल्स के बारे में आपको पता होने चाहिए। चलिए अब आगे वाली स्लाइड्स में बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टोमेटल अपैरेटस के बारे में बात आ गई, और स्टोमेटल अपैरेटस के बारे में बात करेंगे हम एक स्लाइड के ऊपर। तो देखो, पहला तो था एपिडर्मिस, एपिडर्मिस था पहला। दूसरा जो है एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, हमारा जो पॉइंट है वो है एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, और इस पे ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम एपिडर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो है वो है स्टोमेटा। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, आप लोग उसमें बिल्कुल सिस्टोलिथ रेफाइड स्प्रिंग पिंक आ रही है। देखिए अभी ये टॉपिक जो है ना रेफाइड्स वेफाइड्स का, दे आर द बेस मटेरियल्स, ठीक है, निडल शेप के होते हैं ये सब, बाद में अभी आएगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं लेक्चर के बाद में आपको बताऊंगा। इधर देखिए स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा है यदि हम मोनोकोट के बारे में बात करें तो किडनी शेप के होते हैं, ठीक है, डाइकोट में, सॉरी डाइकोट में किस तरह से होते हैं, किडनी शेप के। लेकिन मोनोकोट के बारे में यदि मैं बात करूं तो मोनोकोट में किस तरह से होंगे, मोनोकोट में होंगे ये डंबल शेप के। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, ओके, ये डंबल शेप के होते हैं, पहली चीज तो यहां पे। अब जो भी चीज मैं इसमें बताऊंगा वो अपने आप उसमें लागू होगी, सिर्फ शेप का डिफरेंस है। महेंद्र क्या हुआ बेटा, ठीक है, सिर्फ शेप का डिफरेंस है। अब क्या होगा, ये देखिए, ये जो पूरा मैंने ये स्टोमेटा ये वाला पार्ट है, दिस इज स्टोमेटा, ये जो पोर है ना, इस पोर को स्टोमेटा कहते हैं। ये जो हमने सेल्स बनाए दे आर नोन एज गार्ड सेल्स, डाइकोट में है आपके किडनी शेप के। अब ये जो गार्ड सेल्स है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, दिख रहा है आपको, इसके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही डायग्राम के साथ में बात करूंगा, ठीक है, एज इट इज आप इसमें ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसकी जो ये इनर वॉल है ना ये बहुत थिक है, ये देखिए बहुत मोटी वॉल है, ये डिफरेंशियल थिकनिंग प्रेजेंट होती है स्टोमेटा में, और ये डिफरेंशियल थिकनिंग ही इसको खुलने और बंद होने में हेल्पफुल है। देखिए इनर वॉल बहुत मोटी हो गई, आउटर वॉल जो है बहुत क्या है, वो इतनी ज्यादा थिक नहीं है। ये थिकनिंग इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है। डन, नेक्स्ट, लाइक का साइज थोड़ा इंक्रीज कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया आपको। आगे हम बात कर रहे हैं, देखिए इसके पास में इसका न्यूक्लियस भी होता है, ये देखिए ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा ये इसका न्यूक्लियस भी है। और ये सेल्स जो है, इन सेल्स के अंदर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, ये देखिए ये आपके जो ये आपके स्टोमेटल अपर्चर है, ये गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के बगल में कुछ सेल्स और होती हैं जिनको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बच्चों, ये है आपके सब्सिडरी सेल्स,
इन सब्सिडरी सेल्स से ही बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। अभी अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके पास में कुछ इस तरह से जो है, ये देखिए ओब्लिक, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड, ये देखिए, इसमें ना ऑब्लिक स्ट्रैंड्स होते हैं इस तरह के। ये जो ऑब्लिक स्ट्रैंड होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये जो ऑब्लिक स्ट्रैंड होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं। किस तरह के? ये देखिए, ये माइक्रोफिब्रिल से बने हुए स्ट्रैंड्स हैं। ये जो स्ट्रैंड्स है ना, ये सेलुलोसिक होते हैं वैसे, माइक्रोफिब्रिल्स। ये देखिए ऑब्लिकली अरेंज्ड है, ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प होंगे। हिमांशु, इस दुनिया के अंदर मैं कह नहीं सकता कि क्या चीज इनफ है, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट जो चीज हो वो आपको प्रोवाइड करूं। बिल्कुल संतोष, बिल्कुल सही है, लेकिन वो अलग थ्योरी है, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? अब क्या होगा, अब हम कहानी स्लाइड में देखेंगे। अब ऐसे ही इसके इनर वॉल जो है ना, इस पे थिकनिंग प्रेजेंट होगी, और ये थिकनिंग जो होती है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्पफुल होती है। जब भी आपको पूछा जाए कि स्टोमेटल अपार्चर क्या होता है, तो ध्यान रखना, सब्सिडरी सेल्स प्लस गार्ड सेल्स प्लस स्टोमेटा, सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स प्लस स्टोमेटा। बिल्कुल संतोष, यू आर राइट, रेडियली अरेंज या ऑब्लिक इस तरह से, ये जो ना एक दूसरे के पैरेलली प्लेस्ड होंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, आगे हम बात कर रहे हैं। पिंकी, क्या हुआ तुम्हें? पिंकी आ रहा, क्या हुआ, एक बार आप लिख दो कमेंट। यहां पे समझ में आ गया सबको, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही महेंद्र। नेक्स्ट, अब हम स्लाइड पे देखेंगे कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। देखिए, जब ये जो सेल्स होते हैं टर्जिड होते हैं, जब इनके अंदर पानी आ जाता है, एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, थ्योरी हमारे अभी कोर्स में नहीं है, ठीक है, इलेवेंथ के अंदर आगे आएगी। जब अंदर वाटर आ जाएगा गार्ड सेल्स के, गार्ड सेल फूल जाएंगे, और जब फूल जाएंगे वो, ठीक है, तब क्या होगा, ये बीच वाला जो पोर है ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और जब वाटर गार्ड सेल से बाहर सब्सिडरी सेल्स की तरफ चल जाएगा, तो वापस क्या हो जाएगा, ये इस तरह से फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी। और जैसे ये फ्लैसिड आएंगे, देखिए यहां पे हमने दिखा रखा है, ये तो आपको सब कुछ पता लग गया, ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ये गार्ड सेल्स के बारे में, यहां पे देखिए आप, स्टोमेटा ओपन होगा तो इसका क्लोज होगा, तो बिल्कुल क्लोज नहीं होता है, कुछ अमाउंट में खुला हुआ रहता है, ठीक है। और ये जब क्लोज होगा, जब फ्लैसिड हो जाएगा, ओके, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं सर हुआ मुझे, वेरी गुड पिंकी। चलिए आगे हम बात करते हैं, अब आगे वाली स्लाइड्स के ऊपर यदि हम बात करेंगे। अब एक और बात आती है दिमाग में, एक और बात दिमाग में आने वाली होती है कि स्टोमेटे का काम क्या है। स्टोमेटे का काम है, देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो प्लांट एक्स्ट्रा मिनरल है, वो जो प्लांट है वो नील, ये है एनाटॉमी। सेल का क्या काम होता है, संयोगी नहीं, सब्सिडरी सेल्स जो है वो अपने आप में जो है बगल में लगे हुए हैं, कुछ बुक्स के अंदर इसको एपिडर्मल सेल्स कह रखा है। इनका काम होता है, ये जो पूरा ओपनिंग और क्लोजिंग है ना इसकी, स्टोमेटा की, इसको गवर्न करते हैं ये। कैसे करते हैं वो थ्योरी अलग है, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे हमारे चैप्टर्स में आएगा। तो मैं अब वापस मुद्दे पे आ रहा हूं अपना, कि इसका काम क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्रांसफर कर रहा है वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में, प्लांट के अंदर जो लिया जा रहा है वो ज्यादा देर तक नहीं है, वो ऊपर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है। यदि वो ट्रांसपायर नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, जैलम की थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे मिनरल ये उसके थ्रू क्या कर देता है, एटमोस्फेयर में रिलीज कर देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखिए एक पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर बहुत सारी रोशनी पड़ रही है, तो ये हीटअप होगा, तो ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, उसको कूल कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। आपने पढ़ा होगा कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये कूलिंग इफेक्ट जो आएगा ना बच्चों, ये आएगा ट्रांसपिरेशन से। इसीलिए जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, आप पेड़ के पास जाके बैठेंगे ना, तो आपको बहुत ठंडी सी एक ब्रीज आती हुई जो फील होगी, वो इसी के कारण।
चलिए आगे हम बात कर रहे हैं एपिडर्मल अपेंडिजेस, एपिडर्मिस से निकलने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स, एपिडर्मिस से निकलने वाले कुछ स्ट्रक्चर, एक तो रूट हेयर है, दूसरे ट्राइकोम है, रूट हेयर और स्टेम हेयर आप बोल सकते हैं इसको। अब हम बात यहां पे आ रहे हैं कि रूट हेयर जो होंगे ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एब्जॉर्प्शन के काम आएंगे, रूट के मैच्यूरेशन जोन से ये निकलते हैं और इनका एक्सोजीनस इन ओरिजिन होता है, बिल्कुल एपिडर्मिस से निकलते हैं, एक्सोजीनस इन ओरिजिन है। ऐसा एक्सोजीनस क्यों लिखा है, एक्सोजीनसली इसीलिए लिखा है, यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम बात करते हैं रूट हेयर की तो वो एक्सोजीनस इन ओरिजिन है, जस्ट बाहर से निकल रहे हैं एपिडर्मिस से, लेकिन जब हम बात करते हैं रूट की लेटरल ब्रांचेस की एंडोजीनसली इन ओरिजिन है, पेरिसाइकिल से निकलती है। आगे आ रहा है ये टॉपिक और आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है बच्चों, आगे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अब एक्सोजीनसली ओरिजिन है, रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, ये जो इस तरह से रूट हेयर है, इस रूट हेयर के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो अट्रैक्ट होके रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं और धीरे धीरे से वाटर ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से पानी अंदर जाता जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, हमारे पूरे इस रिलेटेड एक चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्राइकोम्स के बारे में बात करूं, ये भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है बट ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड है बट ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है लेकिन ये स्टिफ भी हो सकते हैं, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं कैसे अभी देखेंगे, और सिक्रेटरी इन नेचर होता है कैसे अभी देखेंगे। वाह बेटा अभी कुमार, एंडार्च एक्सार्च के बारे में बेटा हम आगे बात करें। देखिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, ये सॉरी ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब क्या है, इवेपोरेशन होने के लिए क्या किया गया, इस तरह से ये जो रूट स्टेम हेयर्स हैं वो इस तरह से आ गए, है ना, एक स्टेम हेयर यहां से आ गया, एक स्टेम हेयर यहां से आ गया। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे सरफेस को कवर अप कर लिया, ठीक है। अब पूरा सरफेस कवर अप हो गया है, जो हवा बह रही थी वो हवा रुक गई है, वो हवा को क्या कर लिया गया, ट्रैप कर लिया गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन इस तरह से इन्होंने रोका है। अब नेक्स्ट है हमारा नीचे सिक्रेटरी नेचर, जितने भी इंसेक्टिवोरस, एक्चुअली थोड़ा सा तबियत खराब है, अब छींक तो किसी को भी आ सकती है भाई, ठीक है, थैंक यू इतने ध्यान रखने के लिए। आपका नाम जॉर्जी हीना, थैंक यू, पानी वानी सब सही है इधर, देखिए ठीक है। ट्राइकोम्स, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, प्लांट की बॉडी को। अब सिक्रेटरी नेचर कैसे, बहुत सारे स्टिंगिंग सेल्स टाइप के ऐसे, ये जो होते हैं ना एपिडर्मल हेयर, इस तरह से निकले हुए, ये क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में है ये, ठीक है। ट्राइकोम और इसमें इतना ही, ये हमारा टॉपिक था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। नाउ वी आर डीलिंग विथ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, पहले आप इसको समझिए। देखो क्या होता है, यदि मैं किसी भी स्टेम का इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटूं, ठीक है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल, महेंद्र सिंह सेंटी होने की कोई बात नहीं है, इतनी खराब नहीं है यार, बहुत अच्छा हूं मैं अभी, बिल्कुल सही हूं, थोड़ा बहुत जुकाम है, अपने आप सही हो जाएगी, आप लोग इधर फोकस कीजिए। देखिए सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है ना किसी भी सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की प्लांट के अंदर, वो होती है एपिडर्मिस, ठीक है। इसके नीचे एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, ये जो हाइपोडर्मिस है इसके बाद एक एरिया आता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये सब एरिया क्या है, कुछ नहीं है, ये एरिया एक्चुअली डिफरेंट टाइप के सेल्स का जोन है। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है, जनरल बात कर रहा हूं मैं, उसके नीचे, उसके बाद में कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स के बाद में एक लेयर आती है सिंगल लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिसाइकिल, इस पेरिसाइकिल के अंदर एक लेयर आती है एंडोडर्मिस, और इस एंडोडर्मिस के अंदर बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और इनका जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसको कहते हैं पिथ। तो ये कुछ नाम है जो कि अमूमन आपको सुनने को मिल जाएंगे, कौन सा कहां है देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल पिंकी आ रही है, रूट हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस,
उसके बाद में वेस्कुलर बंडल्स है और सबसे सेंट्रल जो पार्ट है वो है पिट। ये बात आपको समझ में आ गई है, सिर्फ नाम अभी ये काफी है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ लिया, अब हमारा जो दूसरा सिस्टम है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक टिश्यू है हमारे पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो कि टॉप में है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जो कुछ है, आपको क्या क्या दिख रहा है एपिडर्मिस को छोड़ के, हाइपोडर्मिस दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है, पेरिसाइकल दिख रहा है, एंडोडर्मिस दिख रहा है और पिथ दिख रहा है, ये सब ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी कुछ बच गया वो सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, पिथरे सब कुछ ग्राउंड आ रहा है, धीरे धीरे आएगा इसमें, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप आएगा। अभी देखो आप ये बात समझ में आ गई आपको, तो इसके इसको हमने डिवाइड किया है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को तीन पार्ट में, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कॉर्टेक्स का फंक्शन आ रहा है सही होगी नहीं, एक बार देखो आप बच्चे, कोमल पितरे नहीं है क्या, बिल्कुल पितरे है, आ रही है आगे। अरबाज साहिद बिल्कुल गुड, थम्स अप, थैंक्स जय। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कॉर्टेक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हमने अभी देखा था तो मैं आपको पहले इसमें इसके बारे में बताता हूं, हाइपोडर्मिस क्या है, रूट्स के अंदर एब्सेंट होती है, सीधा मगअप करना है ध्यान से, जब हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हमें डायग्राम्स याद रहेंगे, ठीक है, और डायग्राम जब याद रहेंगे तब आपको पता लग जाएगा किस तरह से कौन सी लेयर कहां पे अरेंज है, ठीक है पिंकी। हाइपोडर्मिस क्या है, एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में नहीं होती है, डाइकोट के अंदर एक कोलेनकाइमा टिश्यूज की मिलकर बनी है, कोलेनकाइमेटिस इन नेचर है, मोनोकोट के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटिस इन नेचर है। हाइपोडर्मिस का मेन काम है प्रोटेक्शन देना, और जहां पे भी नाम आ जाए स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा, उस लेयर का काम होगा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है बच्चों। तो हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा भी आ रहा है और स्क्लेरेनकाइमा भी आ रहा है, तो इसलिए प्रोटेक्टिव इन नेचर है, मैकेनिकल सपोर्ट दे दिया, और कई बार हाइपोडर्मिस फोटोसिंथेटिक इन नेचर भी हो जाती है, मे बी संयोग नहीं आ रहा है बच्चे, कॉर्टेक्स का बिल्कुल फंक्शन आ रहा है, रुको आप। अब कॉर्टेक्स जो है ये जनरल कॉर्टिकल जो रीजन है इसके अंदर पेरेनकाइमेटस इन नेचर का है, इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। और जब भी आपसे पूछा जाए कॉर्टेक्स का काम क्या है, जैसे कि सहयोगिनी पूछ रही है, जैसे आरबीएच जी ने कहा कि एनी एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर, ये प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसका जहां पे कुछ भी नहीं है, एनी एनाटॉमिकल पार्ट जहां पे कुछ नहीं है, गैप फिलिंग टिश्यूज, वहां पे कॉर्टेक्स होगा, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, और जहां पे कॉर्टेक्स होगा वहां पे पेरेनकाइमेटिस सेल्स होंगे, और जहां पे पेरेनकाइमेटिस सेल्स होंगे वहां पे पेरेनकाइमेटिस सेल का फंक्शन होगा स्टोरेज, चीजों को स्टोर करके रखना, गैप फिलिंग टिश्यूज है कोई, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे पेरेनकाइमा है, वहां पे वो कॉर्टिकल रीजन का फॉर्मेशन करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक इन नेचर हो सकता है। विष्णु प्रसाद वेरी गुड, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये जनरल कॉर्टेक्स है। और एंडोडर्मिस अभी इसका ओरल टेस्ट लूंगा मैं, अभी हैंड टू हैंड आपको कमेंट करके मुझे जवाब देना है। एंडोडर्मिस सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस तरह से एंडोडर्मिस के एक्चुअल में ऐसे ड्रम शेप के इतने बड़े बड़े सेल्स की एक लेयर है, ये सिंगल लेयर होती है सेल्स की इस तरह से, ठीक है, ये जो सेल्स की लेयर है इसी के बारे में बात कर रहा हूं, ड्रम शेप के, देखो ऑल टिश्यूज ऑन इनर साइड फॉर्म्ड स्टील, एंडोडर्मिस से अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो सब स्टील फॉर्म्ड होंगे, कौन कौन से होंगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट कॉम्पैक्टली अरेंज है, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज है, एक ही लेयर है, बैरल शेप के इस तरह से बिल्कुल ड्रम शेप के, बहुत बड़े बड़े सेल्स है, ओवल शेप के भी हो सकते हैं, इन सेल्स में ये इसकी टेंजेंटियल वॉल है, ये इसकी रेडियल वॉल है,
इसकी टेंजेंटियल वॉल और रेडियल वॉल में एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं सुबेरिन। कुछ फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें रूट्स के अंदर, तो इनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, इनके अंदर सुबेरिन का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। और सुबेरिन का डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, ये सुबेरिन जो है ये इंपरमिएबल है वाटर के लिए, वाटर को अपने पास से क्रॉस नहीं होने देता है। जब ये वाटर को अपने पास से क्रॉस नहीं होने देगा तो एक इंपरमिएबल लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है। इस इंपरमिएबल लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। और ये जो सुबेरिन डिपोजिशन हुआ है, ये सबसे पहले कैस्परी नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया, इसीलिए इस लेयर का नाम रख दिया सुबेरिन। यदि डिपोजिट होगा तो इस लेयर का नाम होगा कैस्पेरिन स्ट्रिप, ठीक है, कैस्पेरिन स्ट्रिप नाम होगा। लेकिन कुछ में ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स आ जाएं, यदि इसके पास में स्टार्च ग्रेन आ जाएंगे तो इसका नाम होगा स्टार्च शीथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मैं जिससे पूछूं आप लोगों में से जो जिसको आता हो फटाफट उसको जवाब आप मुझे लिख के देंगे, फटाफट टाइप करेंगे। एंडोडर्मिस इज नोन एज बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। इसको बायोलॉजिकल चेक पोस्ट क्यों कहते हैं, पहला सवाल मेरा, पहला सवाल है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाई बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, व्हाई एंडोडर्मिस इज बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, पहला सवाल इसका आंसर दीजिए मुझे, क्यों कहा जाता है, फटाफट आप टाइप कीजिए, बिल्कुल टाइप कीजिए, जल्दी से मुझे आंसर चाहिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। गुड इवनिंग गोजस्वी, फटाफट आंसर दीजिए। महेंद्र क्या हुआ बच्चा, स्टार्च ग्रीन, यशपाल सिंह, देखो स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च के बहुत बड़े बड़े से ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, वो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उसके बाद में, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां, कि वो यदि आ जाए तो उसको स्टार्च शीथ कहेंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज, नाउ माय, बिकॉज इट रिलीज सुबेरिन, वैभव कुमार गुप्ता गलत है, प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स गलत है, ग्राउंड टिश्यू यहां खत्म होते हैं तो बायोलॉजिकल चेकपोस्ट क्यों कहेंगे अंकित कुमार, गलत है, सुबेरिन डिपोजिशन मुस्कान यादव गलत है, बायोलॉजिकल चेकपोस्ट का सुबेरिन से क्या लेना देना है मुझे आप ये बता सकते हैं, सुबेरिन आरबीएच गलत है, और जल्दी जल्दी जवाब दो, कहां लेट हो रहे हो आप, 43-42 बच्चे हैं, फटाफट 50 फटाफट रिप्लाई आने चाहिए आप लोगों के। तो मैं इसका आंसर देता हूं, बायोलॉजिकल चेकपोस्ट क्यों है, बायोलॉजिकल चेकपोस्ट इसलिए है क्योंकि अब यदि किसी भी चीज को एंडोडर्मिस को क्रॉस करना है ना, अभी तक तो बहुत सारी चीजें थी, इंटरसेलुलर स्पेस था, अभी तक यहां पे आने के बाद में ये एक ऐसी लेयर है जिसको यदि किसी चीज को क्रॉस करना है, किसी मिनरल को क्रॉस करना है, किसी मटेरियल को क्रॉस करना है, बीच में से जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए ही अब वो मटेरियल जाएगा। इस तरह का जो पाथवे होता है जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में ना चले, सेल के बिल्कुल बीच में से होके जाए, सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। और सिम्प्लास्टिक पाथवे होने के कारण हर चीज अब इसके अंदर नहीं घुस सकती, एंडोडर्मिस जांचता है चीजों को, और जो उसको लगता है कि अंदर इंटीरियर कंपार्टमेंट में जानी चाहिए उसी को भेजता है, इसीलिए एंडोडर्मिस को बायोलॉजिकल चेक पोस्ट कहते हैं। पहला क्वेश्चन था मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि देखिए यह एक एंडोडर्मिस लेयर है, इधर देखिएगा प्लीज, मैं बात कर रहा हूं एंडोडर्मिस लेयर की, ये देखिए एक एंडोडर्मिस की लेयर है, इसमें ये जो बड़े बड़े मैंने सेल्स बना दिए ये एंडोडर्मिस के सेल्स है, मान लीजिए ये रूट के सेल्स, ठीक है, इनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन है। अब सुबेरिन का डिपोजिशन होगा तो इसके आगे वाले पार्ट में होंगे रूट हेयर्स, ये देखिए दे आर द रूट हेयर, एपिडर्मिस पार्ट में ये रूट हेयर है, और रूट हेयर ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है, यहां से वाटर आएगा अंदर, और ये वाटर अंदर आता हुआ यहां से, और देखिए इंटीरियर जो पार्ट है उसके बारे में बात कर रहा हूं, एंडोडर्मिस के अंदर इधर वेस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम के बारे में यदि मैं बात करूं तो जाइलम है, ये जो जाइलम है
यही तो आगे पूरा चैनल बना रहा है, तो पानी यहां से यहां कैसे आएगा? वाटर, वाटर तो आ ही नहीं सकता है, सुबेरिन है पूरा, ये तो आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, ये तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, एंडोडर्मिस है। कोई इसका एक सिंगल वर्ड में यदि कोई आंसर दे दे तो मैं मान जाऊं। कोमल शर्मा, फिलहाल तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़िए जल्दी, आदर्श स्टार्ट होगी। अब सवाल ये आता है कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं। ये जो सेल है ना, ये वाला जो बिल्कुल प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने होगा, किसके? प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाला जो सेल होगा ना, उसमें भी थिकनिंग है, बट उसकी कहानी अलग से क्या हो गई है, उसकी कहानी ये हो गई है कि उसके ये जो वॉल है ना, ये वाली जिसको हम कहते हैं टेंजेंटियल वॉल, इसके ऊपर उसमें थिकनिंग नहीं है, इसके ऊपर उसमें थिकनिंग नहीं है, और उसमें जब थिकनिंग नहीं होगी तो ये यहां से वाटर बिल्कुल यहां पे आ जाएगा। इस सेल्स को हम कहते हैं पैसेज सेल्स, और ये पैसेज सेल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एंडोडर्मिस में ट्रांसफ्यूजन, पिंकी आ रहा बिल्कुल गलत, ठीक है, ये पैसेज सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर को पास करवा रहे हैं आगे इंटीरियर कंपार्टमेंट में, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी। चलिए वापस स्लाइड में चलते हैं, आगे हम बात करते हैं एंडोडर्मिस। ये हमारा पूरा जो है कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया। देखो हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ, तो हमने कॉर्टेक्स को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारा जो है वो है पेरिसाइकिल। तो देखिए पेरिसाइकिल जो है ये वो लेयर है जो वैस्कुलर बंडल को चारों तरफ से घेरे हुई है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल को चारों तरफ से, थैंक यू अनुज, वैस्कुलर बंडल को चारों तरफ से ये पेरिसाइकिल ने घेर रखा है। तो कहानी क्या है, सबसे पहले ये जो पेरिसाइकिल है ये पैरेन्काइमेटस इन नेचर भी है, स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर भी है, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों हो सकते हैं इसमें प्रेजेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सिंगल भी हो सकती है लेयर में और मल्टी लेयर भी हो सकती है, और हमने कुछ डाइकोट ऐसे देखे हैं जिनके अंदर ये पैचेस में होती है, और ये पैचेस किस तरह के होते हैं, देखो इस तरह के पैचेस होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लूनर पैचेस, जैसे आधा चांद होता है ना उस तरह से लूनर पैचेस है, इसीलिए मैंने पेरिसाइकिल को उधर आपको जो डायग्राम बनाया था ना उसमें वो मैंने जो है वो बना दिया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम याद आपको उस समय करना था इसलिए मैंने वो बता दिया था। तो यहां पे सिंगल लेयर मल्टी लेयर हो गया, नेचर में ये पैचेस में भी हो सकता है, ये मैंने बता दिया। मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती है पेरिसाइकिल, रीजन ये है वहां पे वैस्कुलर मंडल बिखरे हुए हैं पूरे। थैंक यू कैफ आलम, वेलकम वेलकम। सर पैसे सेल को ही ट्रांसफ्यूजन नाम दिया है, ट्रांसफ्यूजन सेल्स बात करेंगे इसके बारे में हम, बिल्कुल पिंकी आ रही है, हम बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन सेल्स किसमें प्रेजेंट होती है, लिटरल मींस की तरह काम करती है, ठीक है, आप इसको कमेंट सेक्शन में डालिए, बात करेंगे इसके बारे में। सर वाई पेरिसाइकिल ओनली एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, यशपाल सिंह बिल्कुल आप सही पूछ रहे मुझसे क्वेश्चन, और ये जो यहां पे लिखा है ना एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमिकल स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा वहां पे एपिडर्मिस के बाद में पूरा चीज वैस्कुलर बंडल जो है बिखरे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ के लिए पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहां रिस्पॉन्सिबल है? आरबीएचजी, आप पढ़िए एक बार, ठीक है। और ये स्टोरेज के काम भी आ रही है, स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी है, पैरेन्काइमा है तो स्टोरेज करेंगे, डाइकोट के अंदर, डाइकोट रूट के अंदर ही पेरिसाइकिल ही होती है, ये सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप ध्यान दो, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पेरिसाइकिल लेटरल रूट्स का ही फॉर्मेशन करती है, और जब ये लेटरल रूट होंगे तो एंडोजीनस इन ओरिजिन होंगे, और जब हम अभी आगे पढ़ेंगे डाइकोट रूट, तो डाइकोट रूट में कैम्बियम एब्सेंट है, डाइकोट रूट में कैम्बियम एब्सेंट है, डाइकोट रूट में कैम्बियम एब्सेंट है, लेकिन फिर भी डाइकोट रूट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रही है, देखो कितना बड़ा सस्पेंस है, तो वहां पे कैम्बियम जो है सेकेंडरी इन ओरिजिन है, और कौन बनाएगा? पेरिसाइकिल बनाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये पेरिसाइकिल के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट वी आर डीलिंग विथ पिथ, पिथ को मिड्यूला कहते हैं, सेंट्रल पार्ट को कवर अप करता है, जनरली पेरेन्काइमेटस इन नेचर होता है, पेरेन्काइमेटस इन नेचर होता है, लेकिन कुछ कंपोजिटी जो फैमिली है उनके अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर भी है। यशपाल आ रहा है आगे, कैम्बियम का मतलब क्या होता है, ठीक है, पेरेन्काइमेटस इन नेचर है लेकिन कुछ के अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर है, कंपोजिटी
मेडुलरी रेस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये हो गई आपकी, इधर देखिए ये पेरिसाइकिल है, ये वेस्कुलर बंडल है, दिस इज पेरिसाइकिल, दे आर द वेस्कुलर बंडल्स, दिस इज पिथ। वेस्कुलर बंडल के बीच में से पिथ से लेकर कहां तक एक्सटेंशन है पेरेंट इस पिथ का, पेरिसाइकिल बीच बीच में वेस्कुलर बंडल्स के जो ये पेरिसाइकिल तक जा रहा है तो रे लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को हम कहते हैं मेडुलरी रेस। देखते हैं मुस्कान यादव, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, तब आपको मुस्कान इसके बारे में पता लग जाएगा कैसे बन रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दैट इज ऑल अबाउट योर पिथ। और अब हम आगे बढ़े यदि, तो आगे हम देखेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थोड़ा सा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे गौर कीजिएगा, हम आपको बताएंगे आगे किस तरह से क्या आपको करना है। ध्यान से सुनिए, मैं यदि आपको बात करूं, मैं सबसे पहले स्लाइड के ऊपर चलता हूं, स्लाइड के ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, यदि मैं बात करूं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले कुछ बातें याद करनी है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में एक तो आपके पास है जाइलम और एक आपके पास है फ्लोएम। जाइलम एक तो सबसे पहले बना, फर्स्ट फॉर्म्ड जो जाइलम होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और बाद में जो बनता है उसको कहते हैं मेटाजाइलम। ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म जो फ्लोएम होता है उसको कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, बाद में जो बनता है उसको कहते हैं मेटाफ्लोएम। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं देखो किसकी, जाइलम के बारे में। जाइलम की दो कंडीशंस देखी गई हैं, एक तो होता है एंडार्च और एक होता है एक्सार्च। ये देखिए ये कंप्लीट, यदि मैं आपको ये बताऊं, यदि ये सेंट्रल वाला पोर्शन पिथ बोलते हो आप, एंड टू एंड यदि सेंट्रल वाला पोर्शन पिथ बोलते हो और पिथ के पास में ही प्रोटोजाइलम हो, एंड टू एंड लगे हुए हैं, एंड टू एंड, यदि सेंट्रल वाला पोर्शन पिथ है और पिथ के पास में ही क्या हो, प्रोटोजाइलम हो, और पेरिफेरी की तरफ हो मेटाजाइलम, ऐसी जो कंडीशन होगी उसको एंडार्च कहेंगे। और एक्सार्च कौन सी होती है? एक्सार्च के अंदर क्या होता है, पिथ के जस्ट पास में उल्टा, इसका जस्ट उल्टा कर दो, प्रोटोजाइलम इधर है, मेटाजाइलम इधर है, पेरिफेरी में प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम इधर है। अब मेरा ये सवाल है कि एक्सार्च कंडीशन क्या स्टेम में है, एंडार्च कंडीशन क्या रूट में है, इसके बारे में आप खोज कर रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे मैं क्या कह रहा हूं, ये हाय नताशा तुम आ गई हो, बहुत खुशी की बात है, काफी जो सबने हाय हाय कर दिया है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिथ सर? देखो जया कुमारी, ये एक एनाटॉमिकल पार्ट है, इसका जो मेन काम है वो सेंट्रल पार्ट है, ये चीजों को स्टोर कर रहा है। सर डिफरेंट बिटवीन एंडार्च एंड एक्सार्च, ये देखो एंडार्च और एक्सार्च में क्या है, कंडीशन अलग अलग आ रही है, आपको दिख रहा होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल टाइप की ग्रोथ होती है, बिल्कुल एंडार्च, बिल्कुल मुस्कान उसी तो उसी बात पे आ रहा था मैं, तो यहां पे हम उसके बारे में आगे बात करेंगे बच्चों, आगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ में उसको डील करूंगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सार्च इन रूट और एंडार्च इन स्टेम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सार्च इन रूट। चलिए ये क्वेश्चन आप अलग से होमवर्क में लीजिए कि एंडार्च किस में प्रेजेंट है, एक्सार्च किस में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे मैं बात बता रहा हूं आपको, अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो देखो ऐसा, मैं आपको कुछ जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता रहा हूं। ये मान लीजिए आप ट्रांसवर्स सेक्शन है, ऐसा हो सकता है कि फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम, ऐसे अल्टरनेटिवली अरेंज हो अलग अलग रेडियाई। यदि रेडियाई पे अरेंज है तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, यदि एक ही जगह हो, ये सिस्टम है, एक बंडल बन रहा है जिसके अंदर की तरफ तो है जाइलम, बाहर की तरफ है फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं कंजॉइंट कोलेट्रल टाइप। ठीक है, अब ये कंजॉइंट कोलेट्रल टाइप के बीच में देखा गया है, कई बार इसमें क्या होता है, बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिनको, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम कहते हैं कैम्बियम।
यदि कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो ओपन रहेगा ग्रोथ के लिए, तो उसको कहते हैं ओपन टाइप। यदि कैम्बियम प्रेजेंट है तो वो होंगे ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल, यदि कैम्बियम एब्सेंट है दोनों के बीच में तो वो होंगे क्लोज टाइप के वैस्कुलर बंडल्स। तो यहां पे यदि मैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन बोल सकता हूं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज बोल सकता हूं, क्या होता है क्या नहीं होता आगे देखेंगे कहां कहां होता है, ठीक है। और ये कोलेटरल के बजाय बाई कोलेटरल भी रनुनकुलेसी फैमिली के अंदर देखा गया है, बाई कोलेटरल भी प्रेजेंट हो सकता है, पर हमारे लेवल पे नहीं है इसलिए हम वहां तक नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, ये हो सकता है कंसेंट्रिक मैनर में, ऐसा हो सकता है कि बीच में जाइलम हो बाहर फ्लोएम है, ऐसा हो सकता है बीच में फ्लोएम हो बाहर जाइलम, ठीक है। बीच में यदि जाइलम है तो एम्फीक्राइबल, बीच में यदि फ्लोएम है तो एम्फी वेसल। चलिए बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, फिर अब हम चलते हैं, रेडियल हो सकता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल हो सकता है, कंसेंट्रिक हो सकता है। चलो अब स्लाइड पे चले, जरा देखिए क्या क्या है भाई। इसमें हमने बात कर ली ना, ये वाली रेडियल वाली दिख रहा होगा आपको, रेडियल रूट्स में प्रेजेंट होता है, अब चाहे वो मोनोकोट की हो चाहे डाइकोट की हो। पहली बात खत्म। दूसरा, हमने कॉन्जॉइंट पढ़ा, ये स्टेम में प्रेजेंट है, और स्टेम में और लीफ में यही प्रेजेंट होता है। बट स्टेम में देखो, स्टेम में और लीफ में, स्टेम में यदि हम बात करें मोनोकोट तो कॉन्जॉइंट तो होगा लेकिन क्लोज होगा, लेकिन डाइकोट स्टेम के बारे में बात करें, मोनोकोट स्टेम या लीफ किसी भी तरह की लीफ हो उसमें क्लोज टाइप के होंगे, लेकिन डाइकोट के अंदर कैसे होंगे, ये ओपन टाइप के होंगे। बहुत अच्छे अरबाज, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो, आपको पता लग जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, ठीक है। श्रीराम पंडित थैंक यू सहयोगी नहीं, ओके आगे बढ़ रहे हम। कंसेंट्रिक पढ़ा है, एम्फी वेसल, एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल मतलब बीच में क्या है जाइलम, एम्फी वेसल मतलब बीच में क्या है फ्लोएम। यदि आप इसके एग्जाम्पल्स करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रंकस होता है, ठीक है, प्रंकस जो है वो एक एग्जाम्पल है, यक्का एक एग्जाम्पल है, और इस तरह से हम इस चैप्टर के आगे बढ़ चुके हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। मैं वापस नेक्स्ट क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, मैं वापस वैस्कुलर बंडल्स को, वैस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है उसको वापस रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाना है, उसमें वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट में भी हम वापस पढ़ेंगे, एंडार्च एक्सार्च कंडीशन के बारे में हम वापस बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और बिल्कुल आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और वापस हम कल मिलेंगे आपको सेकेंडरी ग्रोथ के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।